बेटा, लास्ट टाइम हमने सेक्शन 4 पे हमने खत्म किया था, टीके बगैर टॉक्स अबाउट द ज्यूवेनाइल कोर्ट्स। ठीक है, तो इसमें कोई और बात अगर आपने पूछनी है तो जी बिस्मिल्लाह बता, आपने पूछ पूछ लें। ठीक है, ताकि लोग भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, हम भी अपना जो है ये इसको स्टार्ट भी करते हैं। मैंने पिक आपको फॉरवर्ड कर दी है लेक्चर की, तो एक दफा आप अपने ग्रुप में उसको भी सरसरी तौर पर पॉइंट जो है वो आप देख लें, ताकि बताइए चीजें आपके सामने आ जाए। तो लोग अच्छी याद सवान आ चुके हैं क्लास में, तो जो जो है क्लास में ऐसे कर दो, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलो सर मैं ऐसे कर दिया सबको सिंपल। ठीक है, हमारे पेपर्स का पता लगा है कुछ? यार बेटा कुछ भी नहीं पता, टोटली ब्लाइंड, मैं बिल्कुल टच ही नहीं हूँ। तो पता है आपके लिए हमारी जो लग रही है मुंजी, तो मेरे पास ये किताब में पढ़ना होता है रात को और सुबह पढ़ाना होता है, बस और कोई काम भी नहीं। या उनका जाकर लीगल पूरा करना होता है, या उनका जो काम उनके वो करके बेटा, फिर मेरे रबते नहीं है किसी से बेटा, मैं झूठ बोल रहा हूँ आपको। लेकिन अब जो खबरें सुनी है, जो मीडिया कह रहा है वो बेटा आपने भी सुनी है, मैंने भी वही सुनी है, 15 सितंबर का ये बता रहे हैं। ठीक है बेटा, लेकिन सर पेपर्स तो पहले ही होंगे ना? बेटा पेपर अल्लाह करे हो जाए, पेपर मैं तो सोच रहा था अल्लाह करे जी जल्दी हो, ये पेपर हो जाने चाहिए। वैसे यार बहुत लेट हो गई, बहुत लेट हो गई, पेपर सब यूनिवर्सिटीज में हो गए सर, एग्रीकल्चर में भी हो गए हैं, यूसीपी में भी हो गए हैं, तो मैं तो खुद चाह रहा हूँ जितने भी तक। बना लो। लेकिन अभी तक तो हमने, हमारा जो सेशन था वो गालबन लेट स्टार्ट हुआ था, जहाँ तक मुझे पता है। अच्छा बेटा करें शुरू, लोग तो फिर आप आते रहेंगे। जी सर, अच्छा बेटा हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी ऑफेंसेस की, याद है इस एक्ट में? एक माइनर थी, एक मेजर थी और एक हीनियस थी, तो बता सकते हैं आप इसे? मैं जी जी सर, यस सर, हाँ मदियत यस सर। कौन सर सा? सबसे पहले हमने जो सर माइनर पढ़ी थी, माइनर में वो ऑफेंसेस जो तकरीबन हमारे जो 3 साल तक जिसकी सजा होती है, और जो मेजर ऑफेंसेस है जी, और मेजर होती है वो 3 से लेकर 7 साल तक उसकी सजा होती है। जो हीनियस होते हैं उसकी 7 साल से ऑनवर्ड जो सजाए मौत तक, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक, उसे हीनियस बोलते हैं। यस सर, तो बात कुछ नहीं बेटा। नो सर, बात मॉर्निंग वालों आप बेटा, मॉर्निंग वालों में से नो सर, ये क्या कहते हैं मुनीबा बशीर, किजरा तजम्मल, सैनाब शेख, बात इन सब जवाहर की है, सुबह गलतकार, मोहम्मद उमर, अबुलफाम, जी सर, जी सर, उमर नासिर सेठी, और जी सर, समा देवे, सीधा शहजादी, कोई बात बेटा पूछनी है? आमना अंदाज, साफजा, बदिया। नहीं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह सर, बाद में भी सुन लेते हैं यूट्यूब से, इतनी ना समझ आए। तो बेटा मैं यूट्यूब पे क्या पढ़ा, जैसे पढ़ाना था मैंने, वैसे मेरे पास तो ना नेट की फैसिलिटी है ना मेरे पास, तो अच्छा सर्वाइव हो गया पढ़ाने के, जैसे हक होता है मैं तो बस जिसे कहते हैं अल्लाह राजी हो बस। नहीं सर कोशिश तो कर रहे हैं ना इंशाल्लाह सर, सर बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह सर, कोशिश कर रहा है इंशाल्लाह। तो मैं सच्ची बात ऑनेस्ट स्पीकिंग मैं मुतमईन बिल्कुल कोई नहीं, 1% भी नहीं हूँ अपने आप, तो ये तो आपके लिए सर आपकी ये चीज बहुत अच्छी है, आपका फॉरन लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है, तो जिसको नहीं समझ आती वो बार बार देख सकता है, लाइव पूरी जिंदगी के लिए हमें सहूलत हो गई है, जब भी जरूरत पड़े हम आपका लेक्चर देख सकते हैं। बस दुख किसी चीज का ना, काश बेटा कि मेरे पास भी आपका स्टडी होता ना, मेरे दरअसल यहाँ नेट का बहुत इशू है, अभी आप ये देख लो ये जो चल रहा सिस्टम सारा नेट के ही है, तो बिल्कुल इसी तरह, इसलिए डर रहता है मुझे, तो पता नहीं मेरी क्लास कब कटती है, कब जाकर खत्म होता है, मैं तो इस डर में बैठे रहता हूँ, कभी इधर सेल फोन रख कभी उधर रख, तो यहाँ पे बड़े तरीके से बैठ के, और यहाँ पे भी अगर मैं यकीन मान जाए जाम जाऊँ ना, जाम में भी इतना मजा नहीं आता, पता नहीं अल्लाह जाने मेरे सेल फोन में रोला है या कुछ में लैपटॉप में, तो मसले तो लैपटॉप में सर वैसे मौसम की वजह से इंटरनेट स्लो हो जाता है।
तो ये बड़ी क्लासें कटती हैं इसलिए। अच्छा बेटा, हमने सेक्शन जो है फोर्थ पे हमने खत्म किया था बेटा। दो किस्म की कोर्ट्स मैंने आपको बताई थी बेटा, जुवेनाइल कोर्ट्स, ठीक है बेटा। तो एक हमने वो मजिस्ट्रेट का पढ़ा था कि मजिस्ट्रेट होगा तो कम से कम उसका जो होगा डेजिग्नेशन वो मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 30, जिसमें मैंने कहा था कि मजिस्ट्रेट वो मजिस्ट्रेट जिसको सीआरपीसी का सेक्शन 30 एम्पावर करता है, ठीक है, वो का फर्स्ट क्लास का। उसके बाद हमने एक पढ़ा था मुझे जो है आपका सेशन कोड का जिक्र हमने किया था, कीजिएगा दोबारा, नेक्स्ट हो गया था यही वाली। मजिस्ट्रेट जो होगा ना बेटा, जुवेनाइल कोर्ट्स हैं दो किस्म में, तो एक यानी कि वो जो कि ट्रायल कर सकती हैं आपके, ये जो हमने पढ़े थे एक मजिस्ट्रेट का फर्स्ट क्लास होगा और मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 30, यानी कि जो उसका डेजिग्नेशन होगा वो मजिस्ट्रेट दफा 30 होगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी बेटा आपका सेशन कोड का, हमने पढ़ा था बेटा, ठीक है। फिर बेटा मैंने आपको तस्वीर सेंड की, आज जो मैंने शुरू करनी है जो है अरेस्ट, यानी कि आपका जो है जुवेनाइल को, यानी कि यूथफुल ऑफेंडर को जब अरेस्ट किया जाएगा उसके बाद क्या क्या जो है नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएंगे, समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, तो अब पहली बात उसने ये लिखी है कि जो अरेस्टेड जुवेनाइल है ना, ठीक है, वो विदाउट एनी डिले विल बी कैप्ट, अब ये बात याद रखिएगा, विल बी कैप्ट इन द रिफॉर्मेशन होम। अब ये हमारी गवर्नमेंट ने बनाने हैं, अभी तक मुझे नहीं लगता कहीं इन्होंने बनाए, ठीक है। जो इस एक्ट के पास होने के बाद उन्होंने ये लिखा है, ये एक्ट पास हुआ है ना बेटा, इन्होंने कह दिया कि जब भी जुवेनाइल को गिरफ्तार किया जाए, जन आपकी यंग जिसकी अभी एज जो 18 साल से कम है या 16 साल की, हमें कैटेगरीज हमने पढ़ी है, ठीक है, कम है, तो उसको कहाँ पर रखा जाएगा, आपके ऑब्जर्वेशन रूम में। और जो आपका ऑफिसर इंचार्ज होगा ना, यानी कि जो एस एच ओ होगा, जो मैंने पॉइंट लिखा है, वो विल इन्फॉर्म एज सून एज पॉसिबल टू द जो आपका उसका गार्डियन होगा, उसको विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिले क्या करेगा, उसके जो है गार्डियन उसको इन्फॉर्म करेगा, समझ आती बेटा बात की। अच्छा, उसको साथ ही वो डेट एंड टाइम एंड प्लेस और उस जुवेनाइल कोर्ट को बताया जाएगा कि जिस जुवेनाइल कोर्ट में उसको क्या किया जाना है, प्रोड्यूस किया जाना है, जिसको क्या किया जाना है, उसको प्रोड्यूस किया जाना है, समझ आ गई बेटा बात की, जिसको क्या किया जाना है वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाना है, उसके गार्डियन को बताया जाएगा कि आपके भाईजान के खिलाफ ये चीज़ है, ठीक है, और ये चीज़ उस डेट एंड टाइम बता दिया जाएगा, इस दिन को हमने उसको कस्टडी में लिया है और उस दिन से लेकर आज तक इसको हमने फिलहाल कोर्ट में क्या करना है, पेश करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद सबसेक्शन टू है बेटा, ठीक है, कि वो जो आपका इसकी सेकंड ड्यूटी जो है किसकी भला, आपके उस सेशन हाउस ऑफिसर की, विल इन्फॉर्म द रेलिवेंट प्रोबेशन ऑफिसर, जो हमने पढ़ा था कि जुवेनाइल कमेटी होगी जो इसकी रिफॉर्मेशन के लिए काम करेगी, जो उसका प्रोबेशन ऑफिसर होगा ना बेटा, उसको इसने क्या करनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, समझ आ गई बात की। और उसको इंफॉर्मेशन इस अंदाज में देगा कि उसकी जो भी तमाम मटेरियल सर्कमस्टांसेस हैं, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन उसकी असिस्टेंट अबाउट द जुवेनाइल कोर्ट, उसके मुताबिक उसने क्या करना है, उसकी इंफॉर्मेशन उसके प्रोफेशन ऑफिसर को भी देनी है जो उसके केस को हैंडल कर रहा होगा, किसके केस को, उस जो आपका जुवेनाइल ऑफेंडर है उसके केस को। उसके बाद बेटा जो किसी भी जुवेनाइल को ना, ये याद रखिएगा, किसी भी जुवेनाइल को यानी कि जो प्रिवेंटिव लॉज हैं, जैसे कि अगर आप ये सीआरपीसी में कहाँ पे दिए हुए हैं प्रिवेंटिव एक्शंस, क्यों बिफोर स्मैश वालों, ये जो सीआरपीसी आप पढ़ रहे हो मिस्टर, ये कहाँ गया मेरा दोस्त, अल्लाह आपका भला करे, सेठी साहब और आई थिंक जो ये हैं आपके, अल्लाह भला करे, ये प्रिवेंटिव एक्शन कहाँ पे थी? ये प्रिवेंटिव एक्शन कहाँ पे सीआरपीसी में जी, आपके प्रिवेंटिव एक्शंस कहाँ पे हैं जी, हैं पता आप, प्रिवेंटिव एक्शंस बाय पुलिस या प्रिवेंटिव एक्शन बाय मजिस्ट्रेट जी, मुनीबा आप बताओ बेटा, अबैद रहमान आप, अब सारे ऐसे खामोश हो जाएंगे ना, अब मैं कोई बात पूछूंगा भाई, नहीं पता, नहीं बता तो दो सर, सर ये नहीं पढ़ा हमने, नहीं पढ़ा नहीं है। अच्छा नहीं पढ़ा, गुलफाम आ गया, हाँ गुलफाम को ढूंढ रहा था, एक तो लाइट चली गई है। अच्छा उसके बाद बेटा पहली बात ये कि जी आपने अगर ये पढ़ना है जी प्रिवेंटिव एक्शंस बाय पुलिस, समझ आ गई बेटा बात की, तो आपने एक दफा कोशिश करनी है कि आपने 149 सीआरपीसी से लेकर 153 तक आपने पढ़ लेना प्रिवेंटिव एक्शंस बाय पुलिस, और ये 20 नंबर का सवाल आ जाता होता है जी, तो क्यों फिर ये ना कहना किसी ने बताया नहीं था, खैर जिन्होंने तैयारी करनी है बाबा बातें उनसे ऐसे आपको सर हमेशा बात करते हैं, क्योंकि बेटा जो जज होता है ना
एक दफा याद रखिएगा, वो सोया भी हो ना, नींद भी कर रहा हो, उसका स्टेटस जज ही होता है, ठीक है। कोर्ट के अंदर हो या कोर्ट के बाहर हो, उसका स्टेटस जो होता है वो क्या होता है। तो आपने जाना है हर एग्जाम फोरम में आप जाओ, मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन अगर आप इस प्रोफेशन में आए तो फिर आपकी खूबसूरती जज बनने में, और औखे सौखे किसी तरीके से भी एक दफा जज बन जाओ बेटा, तो सारी जिंदगी इसके बारे में मैं क्या कहूँ आप। और मैं तो आपको बेटा इंस्पायर, एक बंदा कहते हैं ना मोटिवेट कर सकता हूँ, पढ़ना आपने है कोई नहीं वो जी सर। फिर आपने कहना सर ने पढ़ाया समझ नहीं आई, ठीक है। अब बेटा बात आ गई कि कोई भी जो है ना आपका जुवेनाइल, उसको किसी भी प्रिवेंटिव लॉज चैप्टर 7 है 149 से लेके 153 तक, कोई भी उसके खिलाफ एक्शन ऐसा नहीं लिया जाएगा, यानी कि उसको इस लॉ में गिरफ्तार नहीं, यानी कि किसी भी जुवेनाइल के खिलाफ कोई प्रिवेंशन का जो है कोई स्टैट्यू किसी भी लॉ के तहत उसमें एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा, और उसको उसके मुताबिक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। समझ आ गई बेटा बात की। इसी तरीके से बेटा इसकी एक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी, जैसे कि आप पढ़ चुके हो चलान, समझ आ गई बात की। और इसके जो हमने अभी सेक्शन 9 पढ़ना है इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे, सेक्शन 9 के मुताबिक उसकी जुवेनाइल की जो होगी वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी उसके सामने मुरतब करके उसको भी दी जाएगी, और फिर उसको क्या भेजा जाएगा अगर वो समझती है कि अंडर सेक्शन 9 के इसको जुवेनाइल सिस्टम कमेटी ने हल करना है, तो अगर वो कर देगी, अगर वो उसके पास मामला आते हैं अगर कर सकती है, तो नहीं तो फिर उसको ट्रायल के लिए जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया जाएगा। अच्छा, अब बात आ गई सेक्शन बेटा 6, ठीक है। ये तीन बेटे हैं इसमें बातें सेक्शन आपके 5 में, अरेस्ट जो होगा बेटा वो क्या होगा, उसको किसी भी सूरत में जेल में या थाने में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा, अल्लाह जाने हो सकता है कि एक ही कमरा बना दे किस में आपके, अल्लाह भला करे थाने में बना दे कमरा, उसको नाम दे दे ये ऑब्जर्वेशन रूम है, ठीक है। तो वहाँ पे पहली बात जो आपका स्टेशन हाउस ऑफिसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने विदाउट डिले ही हैज टू इन्फॉर्म हिज गार्डियन अबाउट हिज अकरेंस डेट एंड टाइम एंड द नेम ऑफ जुवेनाइल कोर्ट वेयर ही वुड बी प्रोड्यूस, ठीक है, उसको बताना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात हमने इसी में पढ़ी कि वो क्या करेगा, जो इसका कंसर्न प्रोबेशन ऑफिसर होगा उसको बताएगा, समझ आ गई बेटा बात। इसके बाद मैंने ये बताया आपको कि जो आपकी कोई भी जुवेनाइल के खिलाफ प्रिवेंशन वाला एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आखिरी बात मैंने ये बताई कि इसकी 173 की रिपोर्ट बनाई जाएगी, और उसकी जो रिपोर्ट होगी कंसर्न जो आपके मेंबर कमेटी होगी उसको भेजी जाएगी, क्या इसको जिसने ट्राई करना है ये फिर उसका फैसला होगा, जो सेक्शन 9 में आगे बात आ रही है। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया सेक्शन 6, ठीक है बेटा। सेक्शन 6 मैं थोड़ा सा कह दूँ कि लेंथी जरूर है, लेकिन बात इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझ आ गई बात की। अच्छा, इसके बाद पहली बात हमने सेक्शन 6 में हमने ये पढ़ी, ठीक है, कि जो अगर आपका एक जुवेनाइल ऑफेंडर, ठीक है, जो कि एक उसने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया जो कि बेलेबल था, और 496 CRPC में उसको अभी तक बेल ग्रांट नहीं की, अभी तक उसको बेल ग्रांट नहीं की गई, तो कोर्ट क्या कर सकती है उसको विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी, जिसे आप कहते हैं ना मुचलके ले भी सकती है और मुचलकों के बगैर भी उसको क्या कर सकती है, बेल आउट कर सकती है, अगर उसका ऑफेंस किस डेफिनेशन में आ रहा है बेलेबल, यानी कि ऐसे कह दूं मेजर या माइनर में, ठीक है, समझ आ गई। अगर आपका ऑफेंस आ रहा है मेजर या माइनर कैटेगरी में आ रहा है, या ऐसे जनरल कह दूं कि अगर उस जुवेनाइल के खिलाफ किस चीज का इल्जाम है कि उसने कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, उसने क्या किया है कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट किया, तो कोर्ट को क्या कर सकती है विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी उसको बेल ग्रांट कर सकती है, समझ आ गई बात की। अदरवाइज अगर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर द डेंजर टू हिम और एनी एक्टिविटी, यानी कि हम ये समझे कि उस बंदी की जान को खतरा है और ये उसको रिलीज करना, उसको बेल देकर बाहर भेजना, या तो वो कल्प्रेट बन जाएगा या उसकी जो जिंदगी है उसको लोग क्या कर देंगे खत्म कर देंगे, तो कोर्ट क्या कर सकती है उसकी वो जो बेशक बेलेबल फेंस में बेल बनती है उसको यानी कि बेल ग्रांट नहीं करेगी, अगर ये दो बातों का क्या हो खतरा हो, समझ आ गई बात की। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बेटा उसने लिखे है कि अगर जो है अंडर सेक्शन 190 जो है 496, ठीक है, नहीं रिलीज हुआ जो आपका बेल अभी तक बंदा जो है वो बिहाइंड द बार है, तो कोर्ट क्या करेगी, आपके जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा उसको विदाउट डिले उसको कहेगी कि जनाब जाओ इसके गार्डियन को ट्रेस करो और इसकी कस्टडी उसके कोर्ट विदाउट एनी डिले उसकी क्या करेगी कस्टडी उसके गार्डियन के हवाले कर देगी, समझ आ गई बेटा बात। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा बेटा कि अगर आपका वो ऑफेंसेज हैं माइनर और मेजर, अब वो बात आ गई ना
कि अगर आपके ऑफेंसेज हैं माइनर, यानी कि 7 साल तक अगर किसी जुवेनाइल ने ऑफेंस कमिट किया ना, अगर किसी जुवेनाइल ने एक ऐसा ऑफेंस बेटा उसने कमिट किया तो मैं दागी जो कि क्या है माइनर है या मेजर है, यानी कि जिसकी सजा 3 साल से कम है या 3 साल तक है या 3 साल से लेकर 7 साल तक है, ये ऑफेंसेस कैसे ट्रीट किए जाएंगे, बेल और बेल, यानी कि इनमें बेल ग्रांट की जा सकती है किसको भला, जुवेनाइल को बेल ग्रांट की जा सकती है बेटा, किसको, जुवेनाइल को। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट बेटा मैंने लिखा है इसमें व्हाइट बोर्ड अगर आपके सामने होगा बेटा, मैंने लिखा है कि अगर आपका जो है जुवेनाइल ऑफेंडर कम्स अंडर द डेफिनेशन कि उसकी जो उम्र है 16 ईयर से ज्यादा और 18 साल से कम है, ठीक है, और ही इज इन्वॉल्व इन द हीनियस ऑफेंस, ही इज इन्वॉल्व इन द हीनियस ऑफेंस, तो उसको फिर बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा उसके बाद आखिरी बात हमने ये पढ़ी बेटा कि अगर अल्लाह भला करे आपका कि इफ देयर इज डिले इन द ट्रायल, डिले इन द ट्रायल, तो उसकी जो प्रिविलेज होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, बेशक वो बेलेबल ऑफेंस में है या नॉन बेलेबल ऑफेंस में, बट ही इज बिहाइंड द बार, ही इज फ्रॉम द 6 मंथ ही इज इन द कस्टडी, अंडर द कस्टडी, ठीक है, वो लास्ट 6 मंथ से कस्टडी में है और उसका जो ट्रायल है 6 महीने हो गए हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको बेल ग्रांट कर सकती है। समझ आ गई बेटा बात की। ये बातें सारी किस में लिखी गई हैं, सेक्शन है आपके अलग अलग करे 6 में, ठीक है बेटा। अब यहाँ तक बेटा कोई बात पूछनी तो आप पूछ लो, मैंने मुंह टाल किसी को नहीं किया, ठीक है। अगर नेक्स्ट चलना है तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ बेटा। सर जी बताओ, सर 5 का सर 2 जो है सब सेक्शन 5 का सर नो जुवेनाइल, जी जी सर जी, इसका बेटा मैंने बताया था तो है आपका सब सेक्शन 2 के प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, मैंने आपको रेफरेंस दिया ना 4th सेमेस्टर वालों से जब मैंने सवाल किए तो भाई बताओ प्रिवेंटिव एक्शन से क्या मुराद है, प्रिवेंटिव एक्शन से मुराद ये होता है बेटा कि व्हेन एनी चाइल्ड या यूथफुल ऑफेंडर कॉजेस ब्रीच ऑफ पीस इन द सोसाइटी द सन इन दीस सर्कमस्टेंसेस द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड पुलिस मे टेक द सच प्रिवेंटिव एक्शंस लाइक अरेस्ट सिक्योरिटी, ठीक है, यानी कि आप समझते हो कि कोई बंदा अगर ब्रीच ऑफ पीस कर रहा है आपकी सोसाइटी में, क्या अमन को नुकसान पहुंचा रहा है ढंग का, जैसे बच्चे करते हैं हरकते हैं, जैसे आप माँ बाप को घर जाके माशाल्लाह आप हरकतें करती हैं, उनको डराती धमकाती हैं, खेलती हैं और भागती हैं, और घर का क्या होता है एक माहौल खराब करती हैं, तो फिर घर वाले क्या करते हैं, अम्मा जी आपकी धुलाई करके आपको एक जगह पर बिठा देती है कि आप तू यहाँ से खेल के दिखा, तो यहाँ पर ये कहता है कोई बच्चा जुवेनाइल ऑफेंडर क्या करता है, कोई ऐसा प्रिवेंट जिसे अगर को अडल्ट करे तो उसके खिलाफ कोई प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सकता है, तो यहाँ पे वो कहता है कि इसके खिलाफ कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं होगा, यानी कि जैसे ये पितंग वगैरह खेल वगैरह अगर करते हैं तो इनके खिलाफ कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई अनलॉफुल असेंबली है यानी कि 5 से 10 लोग खड़े होते हैं जुवेनाइल ऑफेंडर, जैसे यंग लोग खड़े होते हैं, बच्चे खड़े होते हैं, यूनिवर्सिटी में आप जा रहे होते हैं, तो ऐसे मामला में वो कहता है कि ऐसे प्रिवेंटिव एक्शन विच विल कॉज द ब्रीच ऑफ पीस, ठीक है, तो इनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। अदरवाइज अगर आपका ये आपने पढ़ा है कि कोई अडल्ट या 5 से 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाए तो हमसे क्या कहते हैं अनलॉफुल असेंबली होगी, अगर अनलॉफुल असेंबली कुछ करती है तो वो रियोटिंग बन जाएगी, अफ्रे बन जाएगा, तो पुलिस क्या करेगी उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है टू डिस्पर्स द अनलॉफुल असेंबली, उस असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, सीआरपीसी की बातें हैं बेटा, तो कोड 7 कोड से मुराद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके जो चैप्टर 7 में बता दिए गए ना एक्शन, वो एक्शन इन जुवेनाइल के खिलाफ नहीं लिए जाएंगे। अब समझ आ गई बेटा बात, जी सर आ गई जी, आगे चलूं बेटा। सर ये सब सेक्शन 3 में आपने बताया कि 6 के जी जी कि अगर जो जुवेनाइल है वो ऐसा ऑफेंस करे जो माइनर या मेजर में आता मींस कि जिसकी सजा अप टू एप्रोक्सीमेटली 7 इयर्स तक ही होगी जी जी, तो वो बेलेबली समझा जाएगा, लेकिन सर 16 से नीचे उन्होंने कहा कि 16 से 18 में अगर लगे, लेकिन सर 18 साल तक तो वो जुवेनाइल ही रहेगा जी, बिल्कुल जुवेनाइल रहेगा, लेकिन सर कैटेगरी जुवेनाइल कैटेगरी बता दी, एक ऐसा जुवेनाइल जो 16 साल से कम है, एक ऐसा जुवेनाइल जो 16 से 18 साल, उसके लिए क्वांटम ऑफ सेंटेंस, उसके लिए लेजिस्लेशन, ना 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 ना, उसके लिए उन्होंने क्वांटम ऑफ सेंटेंस, उसके लिए लेजिस्लेशन और है, जो 16 साल से नीचे कैटेगोरिकली उसके लिए लेजिस्लेशन और है, ओके सर।
बेटा आपको ये क्यों का नहीं होना चाहिए, आपको ये पता हो कि हाँ ऐसा है, ये ऐसे ऐसे है। वकील अगर ये कहना शुरू कर दे ये क्यों है, दैट इज अ पार्ट या दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज अ फॉल्ट ऑन द साइड ऑफ पार्लियामेंट, ये हमारा इसमें कोई कंसर्न नहीं। हमने तो बेटा लकीर का फकीर होकर बताना है ना आपको, तो बेटा ये स्टैट्यू ये ऐसे ऐसे ऐसे। और आज मेरी बी वालों से बात हो रही थी, अभी वो टेस्ट पास पढ़ रहे हैं फिलहाल, वो क्या पढ़ रहे हैं जी अभी तक, वो टेस्ट पास 452 और 453 पे फिर रहे हैं ऐसे आदमी। हाँ फिर कभी कभी ये भी दुआ दे दिया करो कि और ना सही ना याद करो ना करो ना, ठीक है बेटा। तो इतना मुझे भी यकीन है कि आपको पता होगा कि फिलहाल चीज फिलहाल में मौजूद है, याद ना भी करो आपको एक समरी का जरूर पता होगा कि ये जो चीज है इस एक्ट का ये मतलब है और ये एक्ट है। और इंशाल्लाह घबराओ नहीं, एक चीज हमने पढ़ना है, टाइम अगर हमें मुझे मिला ये नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ये 2-3 क्लास में मैंने इसको खत्म करना है। मैं तो आपके ये मिजाज के मुताबिक चल लूँ, गर्मियाँ बढ़ रही हैं और क्लास जो है ये थोड़ी सी मेरा टाइम भी बड़ा होता है, क्योंकि मुझे पता है वापस में जाता हूँ मेरी जो हालत होती है बेटा, तो आप ही तो बच्चे हो ना। तो जी सर इंशाल्लाह बेटा आप घबराओ नहीं, मेरा सिलेबस आपकी मर्जी का, ये मैं वीडियो में बैठ के कह रहा हूँ, मेरा मकसद मेरा फर्ज है बेटा पढ़ाना, ठीक है आगे मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ वो मेरी आपकी मर्जी बेटा, लेकिन ये ना कहना कि साथ में सिलेबस खत्म नहीं करवाया था। ये देखो ये चीजें होती हैं जो बेटा छोड़ो इन चीजों को, बस आप कोशिश करो कि जितना पढ़ाते जा रहा हूँ इसको साथ साथ, जैसे आप, मैं तो आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप तो एक मैं ओपन बल्कि वीडियो में कह रहा हूँ, कोई डिस्क्रिमिनेशन भी समझे जाए तो उसमें बेटा आप जैसे लोग इंशाल्लाह कुर्सियों पर बैठते हैं, ये कुर्सियाँ अगर बनाई गई हैं तो आप जैसे बच्चों के लिए बनाई गई, तो ये इन लोगों को तो नहीं पता ना। तो बेटा जैसे आप चल रहे हो आप चलते रहो, देख लेना ये कुर्सी एक दिन आपसे आके पूछेगी बताओ कि मुझे कहाँ रखना है, कौन से दफ्तर में रखना है। इसी तरीके से बेटा चलते रहो और अपने 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 जिस मंजिल की तरफ गामजन हो आज ही उसकी तैयारी जैसे आप कर रहे हो वैसे करते रहो और इसमें कॉन्स्टेंटली करते रहना। तो उसके बाद नेक्स्ट बेटा इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है ना जी, इसकी जाबियाँ की कोई अकरेंस है उसके खिलाफ कोई FIR लॉज होती है, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कम से कम जो होगा वो सब इंस्पेक्टर होगा। कौन होगा जी, सब इंस्पेक्टर होगा और अंडर द सुपरविजन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और SDPO, ठीक है। यानी कि यह DSP होगा या SP होगा, इसकी सुपरविजन किसकी होगी, आपकी SP की होगी या कम से कम SDPO की होगी। SDPO से मुराद जो आपका होता है DSP होता है, समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा और जो जिसने IO होगा वो होगा सब इंस्पेक्टर, वो कौन होगा जी, आपका सब इंस्पेक्टर होगा, समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा इसके बाद ये जो आपके इन्वेस्टिगेटर होगा ना जो इस जिसको रखा जाएगा वो क्या करेगा, इसकी जो ये लोग हैं इस ये लोग बकायदा IO को क्या करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ये आपका कोई प्रोबेशन ऑफिसर भी हो सकता है, आपको सोशल वेलफेयर ऑफिसर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ये लोग क्या करेंगे इसको बकायदा असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे फॉर दी इन्वेस्टिगेशन, समझ आ गई। और इसकी एक ये बताएगा सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करेगा अनेक्स्ड विद सेक्शन 173, यानी कि ये चालान रिपोर्ट मुरतब करेगा, इसके लिए इसमें क्या बतानी है कि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है, जो इसके साथ क्या होगी अनेक्स होगी, समझ आ गई बेटा बात की। तो इस तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी। अच्छा अब मैंने पहले आपको कहा था डिटर्मिनेशन ऑफ एज, ठीक है, कि यानी कि जब इसको क्या कर देगा किसी के खिलाफ एक ऑफेंस का जो है वो चार्ज लग जाता है और अलर्ज होता है कि जो बंदा ये फिजिकली अपेयर है ना, या तो ये ऑफेंडर है या फिजिकली होता है या वो खुद क्लेम करता है कि जनाब एट द टाइम ऑफ अकरेंस मी वाज जुवेनाइल। तो इसमें पहली बात क्या करनी है, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा ना वो सबसे पहले वो क्या करेगा, इसकी एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। अब ये इंक्वायरी किसके पास आ गई, याद रखना आप पुलिस वाले करते हैं इन्वेस्टिगेशन, समझ आ गई बेटा बात की। पुलिस वाले क्या करते हैं, जो बात मैंने यहाँ पे पढ़ानी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जुडिशरी के पेपरों में सवाल अक्सर रिपीट होता है, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट द टर्म्स इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स, ठीक है। ये सेक्शन 4 की बातें हैं, CRPC की सेक्शन 4 और 20 से लेके 15 नंबर तक ये सवाल अक्सर रिपीट होता है, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट द वर्ड इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। अब यहाँ पे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस पार्टी, अब यहाँ पे उसने ये कह दिया भाई इस एक्ट में जुवेनाइल में कि भाई ये जो है ना पुलिस ऑफिसर ये क्या कर सकता है, इंक्वायरी भी कर सकता है किसके मुतालिक। अब ऊपर तो हमने इन्वेस्टिगेशन पढ़ी है, ठीक है, सेक्शन जो हमने ये 7 पढ़ा, तो आपने कहना है सर ये जो बात आ गई इधर सेक्शन 8 में इंक्वायरी आ गई, अब यहाँ पे इसके पास इख्तियार है स्टेशन हाउस ऑफिसर के खिलाफ
कि वो क्या करेगा कि जो आपका कम से कम ठीक है मेक एन इंक्वायरी ठीक है जो आयु होगा टू डिटरमिन द एज ठीक है अब उसकी क्या करनी है उसने एज डिटरमिन करनी है। मैंने ये सारी बातें पहले आपको बता चुका हूँ कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट लाया जाएगा उसके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स आएंगे और कोई और अगर रिकॉर्ड या कोई डॉक्यूमेंट है जो ये बात साबित करे कि ये बंदा क्या है आपका अल्लाह भला करे जुवेनाइल है। समझ आ गई बात की। अच्छा उसके बाद बेटा मैंने इसके बाद ये बात की थी कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है जब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो इसके बाद ये बात हुई थी अगर आपको याद हो तो ये बात हमने की थी भाईजान के इसके बाद क्या देखा जाएगा मेडिकल ठीक है मेडिकल ऑफिसर जो होगा वो डिटरमिन करेगा इस भाई की एज कितनी। समझ आ गई बेटा बात की। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमने लिखा के रिमांड की बात आ गई। इस बात समझ आ गई बात की के व्हेन एन अक्यूज्ड पर्सन हु फिजिकली अपीयर्स टू बी जुवेनाइल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट ठीक है बिफोर दिस कोर्ट अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी बेटा है आपका रिमांड का ठीक है द कोर्ट बिफोर द ग्रांटिंग फर्दर डिटेंशन शैल रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स ठीक है कोर्ट क्या करेगी बकायदा उसकी एज के मुतालिक जो भी उसकी फाइंडिंग्स होगी जो कि रिकॉर्ड के सामने मौजूद होंगी बेशक वो मेडिकल की है या आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स की है ठीक है बेशक आपके पुलिस ऑफिसर ने सबमिट की है या आपके किसी मेडिकल ऑफिसर ने की है अगर वो 167 में उसकी फर्दर डिटेंशन जो है वो ग्रांट करता है तो कोर्ट ने क्या करना बकायदा जब रिमांड ग्रांट करना है ना जी तो कोर्ट ने बकायदा उसकी क्या करनी है इसकी बकायदा वजूहात लिखनी है किस चीज की भला उसके रिमांड ग्रांट करने की फॉर फर्दर कस्टडी अंडर सेक्शन 167 जो कि कितनी है जनाब क्या कहते हैं गुलफाम मियां 167 में कस्टडी कितनी बताई गई है। हाँ जी गुलफाम साहब 167 में कस्टडी कितनी है नहीं पता सर। माशाल्लाह रिमांड कितने दिनों का होता है जी सर 14 दिन का। 14 दिन का सर किसने कहा और कौन कौन यस सर जी कितने दिनों का होता है रिमांड सर की बेस पे 17 दिन का भी हो सकता है। ओहो ये 17 दिन वाला कौन कह रहे हैं मैंने कहा सर उल्फर माशाल्लाह नहीं सर अगर ना किसी वजह से पुलिस ऑफिसर 14 दिन में वो कंप्लीट नहीं ना करता तो 167 में ये बात भी मेंशन की गई है। क्या की गई है कि 3 दिन उसे एक्स्ट्रा भी दिए जा सकते हैं। अच्छा, ये किसी ने आपको गलत कहा है ठीक है। अच्छा जी जी हाँ जी और जी ये ऐसी किसी 14 दिन का तो है सर नहीं जी 14 दिन का भी नहीं है पेट जवाब बताना किसी ने तो आपने क्या जवाब देना है नॉट एक्सीडिंग 15 days ये वर्ड अक्सर ये याद रखिएगा नॉट एक्सीडिंग 15 days लोग ऐसे कह देते हैं दैट इज अ मिथ ऑफ आवर प्लीडिंग ये हमारी प्रैक्टिस की बातें हैं जो आप कहते हो 14 दिन जो कानून की बात है जो किताब की बात है 167 में जनाब वाला तो याद रखिएगा वो कितनी है जी आपकी नॉट एक्सीडिंग 15 days अब 14 दिन पे टिक ना करना नहीं तो इंशाल्लाह वो भी फिर टिक करेगा तो यहाँ तक बेटा तो बात पूछनी है तो जी बिस्मिल्लाह पूछें ठीक है कोई क्वेश्चन बेटा आपने पूछना तो बी फ्रेंकली जी बेटा सर सॉरी 15 से कम भी हो सकते हैं दो दिन का रिमांड बेटा रिमांड होता है नॉट एक्सीडिंग जो है 15 डेज और दो दो दिन का देता है तीन तीन दिन मजिस्ट्रेट के पास होता है पावर होती है इसके पास मजिस्ट्रेट को जो अच्छा लगे उसके मुताबिक कर। अच्छा ये मजिस्ट्रेट का जो रिमांड वाला ऑर्डर है ये जुडिशियल है एग्जीक्यूटिव है जुडिशियल
इसको भी सर्च कीजिएगा कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है या जुडिशियल ऑर्डर है। एग्जीक्यूटिव लग रहा है, एग्जीक्यूटिव लग रहा है सर। दो-दो दिन से दो दिन का देते हैं आजकल, मैक्सिमम दो दिन, तीन दिन से ज्यादा नहीं देते, इंटरवल्स बना के देते हैं तीन दिन करके। जी और जी ये कौन सा है, एग्जीक्यूटिव है जुडिशियल है? मुझे नहीं पता, मैं भी बताऊंगा खुद पढ़ लें। जुडिशियल है ये अब वो एक तो होना है ना, दिन या रात, एक एक कह दी एक दूसरा कह दी, बाकी ठीक है दिन अभी कर लेना, जब पढ़ोगे तो बता दूंगा। और भी कोई बात सर? ये सेक्शन 7 का सब सेक्शन 2 का है। बिस्मिल्लाह पढ़ देगी, मेरे पास बुक नहीं है, पढ़ लें सर। ये असिस्टेंस का कह रहा है कि सोशल वेलफेयर ऑफिसर असिस्टेंस देगा जो भी होगा। हाँ जी, वो जो भी होगा उसको आईओ को बकायदा गाइड करेगा कि तूने इस तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसको इस अंदाज में ट्रीट करना है। देखो आपने बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द पनिशमेंट थ्योरी आपने पढ़ी है इंग्लिश स्टूडेंट्स में, रिहैबिलिटेशन, रिफॉर्मेटिव, डिट्रेंट, ये सारी बातें आपको नहीं याद। पनिशमेंट का एक ऑब्जेक्ट होता है बेटा, यस यस, ठीक है। ये अभी तो नहीं है ना, अभी तो अभी आपको छठा सेमेस्टर, इंशाल्लाह आप जब आ गया होगी तो ये मेजर सब्जेक्ट जब आपने पढ़ने तो ये चीजें आपको जब इनका लेंथ आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी, इंशाल्लाह घबराओ नहीं। अब इसकी कोर्ट अगर आपने पढ़नी है 28B है, 29B CRPC और 399 है CRPC, तो एक दफा उनके साथ आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इनका ट्रायल ट्रिब्यूनल क्या होता है। जी मुनीबा बशीर आप सुन रही है नहीं? जी सर। अच्छा तो समझ आई है? जी सर आई है। अच्छा पक्की बात है बेटा? जी सर आई है। इसके बाद समा आप बेटा? जी सर आ गई समझ। अच्छा इसके बाद जिशान, जिशान बेटा आप 416 आप बड़े खामोश रहते हो जिशान मियां। चूचू आपने जी जी सर आ गई समझ। अच्छा चलें ठीक है, नहीं सर समझ आ गई। अच्छा इसके बाद मौजम अली जी सर, वो जी सर उसको कंफर्म करने के लिए सेक्शन और एग्जीक्यूटिव को कंफर्म करने के लिए सेक्शन बता दो। जी बेटा, बेटा सेक्शन 14 पढ़ लेना ना एक दफा, इंस्टीट्यूशन और रिस्पांस को कंफर्म करने के लिए सेक्शन बता दीजिए। किसको बेटा कंफर्म करने के लिए? जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव रिमांड्स के बारे में पढ़ने के लिए आप सेक्शन बता दीजिए। पहले 200 सेक्शन हैं, 200 से पढ़ लीजिएगा आप, पहले 30 में से पढ़ लीजिएगा एग्जीक्यूटिव के बारे में और फिर जो मजिस्ट्रेट की जितने भी ऑर्डर हैं 200 तक ये सारे पढ़ लीजिएगा। जुडिशियल को पढ़ लीजिएगा, जुडिशियल ऑर्डर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता क्या बेसिकली, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स हैं सेक्शन 6 से लेके 41 तक, ठीक है जी। ये मैंने एल्बम सेंड की थी आपको ग्रुप में, मेरे क्लास में बनाए थे हमने नोट, तो वहाँ पे हैं ये सारी बात। सर ये एग्जेक्टिव ऑर्डर का रिमांड का ये मैं फिर ये ना कहने के सर को खुद नहीं पता था, तो ये मजिस्ट्रेट का जो रिमांड का ऑर्डर होता है वो गल्ब में एग्जेक्टिव होता है, जुडिशियल नहीं होता। और जी को बात बताऊं, हाजिर आप बेटा जैनब अब्दुल्ला आप भी हैं क्लास में, असद रहमान अनवर, उसके बाद मोहम्मद खावर, उसके बाद मोहसिन दयाल। नैब कितने दिन का रिमांड ले सकती है? नैब 90 दिन का ले सकती है। ठीक हो गया सर। बाद वैद रहमान हो गया बेटा, खावर आपने को बात पूछनी है? जी सर मैंने यही पूछा था कि नैब 90 दिन का रिमांड ले सकती है, इसकी क्या वजह है ये कि उतना ज्यादा वो ऑर्डिनेंस है रिमांड इतने दिन का, वो ऑर्डिनेंस है, ठीक है एक्ट नहीं। जी जी सर। उल्फत जवार आपने तो बात पूछनी है जी, एहतशाम बिलाल भोला सर, थैंक यू सर समझ आ गया सर। भोले आप भी? जी सर क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कुछ बात पूछना चाहते हैं जी? मेरे मिनट कम रह गए कुछ सर। नहीं
पक्की बात है सर, मैं ना इंशाल्लाह ताला कल पूछूंगा। चलिए ठीक है, मैं तैयारी करके आऊंगा कि शाम में सवाल करना मेरे। जी जैन अब्दुल्ला जी। तो जैन बाप की बात पूछनी है बेटा? जी सर। नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। नहीं सर। अच्छा, उस्मा मुख्तार आप? जी सर क्लियर है। चले इस बात को मैं भी देखूंगा और चले इसको फिर करते हैं बात। ठीक है तो बेटा, इसमें भी और बात कोई सजेशन आप और भी बता दें, कोई स्टैचू आप बता दो जो आपके सबके इंटरेस्टेड है, जो आप समझते हैं कि जो हमें है, हमें सर ये पढ़ाते हैं, ये तो खत्म हो जाना है इंशाल्लाह इस वीक में या अगले मंडे तक, हम ये चाहूँ तो कल ही खत्म कर दूँ, लेकिन मैं फिलहाल है खुद चाह रहा हूँ कि इस पर कोई आपको और है तो आप बता दें, मैं वो पढ़ा दूंगा, मसला कोई नहीं। सर हम एक दफा पुलिस ऑर्डर ना पढ़ लें। पुलिस ऑर्डर लेंथ ही बहुत है बेटा, सर उसके वो ही पुलिस ऑर्डर पढ़ लें, चूजन से करा दीजिएगा समझ लग जाए। चलिए पुलिस ऑर्डर पढ़ा देते हैं, पुलिस ऑर्डर को एक लेक्चर में ले लेंगे। जी सर एक दो लेक्चर में सर, उसके बाद ये नहीं, इंशाल्लाह आपको पूरी पीपीसी भी एक लेक्चर में मिल जाएगी। ये उस्मा मुख्तार अगर हमें नोट्स बना के दे दें तो मटीरियल इनके पास पहुंचा हुआ है, ये जैद भाई ने बना के दे दिए, तो पीपीसी भी इंशाल्लाह आपको एक लेक्चर में मिल जाएगी 8-9 सफ़ों पे पूरी पीपीसी। तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं बेटा जी, सर जिंदाबाद सर, ये सही है पीपीसी इंशाल्लाह। बाकी आज आपको इस्लामिक ला के मिल जाएंगे अगर आप पढ़ रहे हो तो, जो जुडिशरी के नोट्स हैं इंशाल्लाह, जो अगर आपने पढ़ने हैं, जो तैयारी करनी है, जो ख्वाहिशमंद है, तो आज इस्लामिक ला के मैं शेयर करूंगा रात को, और इंशाल्लाह अगर कल हो गए तो पीपीसी में आपकी वसात से सिफारिश कर दीजिएगा, ये उसमें मुख्तार साहब को आप बना दें। अच्छा एक ये जैनब है बेटा, ये कौन है? सर मैं बना दूंगी। अच्छा चलिए थैंक यू बेटा, ये जैनब कौन है? सर मॉर्निंग की। जैनब, अच्छा मॉर्निंग 6 मॉर्निंग। जी सर ये मेरी क्लास जी सर, रुजमा के साथ थी। अच्छा 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 जैनब, ओह ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, अब्दुल्ला जिया? यस सर क्लियर है। पक्की गल है? मोहम्मद फयाज आपको कसम समझ आई है? ओ मोहम्मद फयाज जी सर आ गई है। अच्छा शाहजेब 414 नहीं यार, चलो ठीक है थैंक यू।